Yeah.
शुरू करें उससे पहले स्टेज मंत्र जी आपको सूचना देंगे और उसके बाद में एक छोटी सी रचना छोटा सा भजन उसके बाद में व्यास जी महाराज छठे दिन की कथा शुरू करेंगे और आइए स्टेज मंत्र जी। ओ जय श्री कृष्ण जय श्री राम जय गोपाल। नागपुर अनुसंधान नागपुर गोरक्षण अनुसंधान संस्थान के ओर से श्रीमद भागवत कथा का यह छठा दिवस आज हमारे बीच मैं आज के दैनिक यजमान श्री जय किशन जी रमेश जी बंग हिंगना वालों के साथ उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। कृपया अभ्यास को एक बार आए और पूज्य स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी तरह आज श्री रुक्मिणी विवाह इसके यजमान है श्री जय श्री कृष्ण परिवार श्री श्याम बाबू सुगम एवं श्री जय श्री राम परिवार श्री नीरज जी नखोटिया परिवार। कृपया व्यास को एक बार आने की कृपा करें।
आज के दैनिक प्रसाद के यजमान श्री महेंद्र जी शर्मा, कृपया आप भी व्यासपीठ पर आए। इसी तरह मैं कुछ श्रद्धालुओं के नाम उल्लेखित कर रहा हूँ, वे कृपया व्यासपीठ पर आए, अपनी भाव सुमन समर्पित कर परम पूज्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री सूरजमल जी साबू परिवार, इन सबकी जो भावना है ये चंद पंक्तियों में आपके समक्ष कि गौ माता की कृपा प्राप्त इस भागवत भूमि में चिंता नहीं चिंतन करें। व्यास पीठासीन सदैव पूज्य पंडित जी की अमृतवाणी चंचल मन को चंदन करे। आइए अपने सौभाग्य का हम अभिनंदन करें, हम सब मिलजुल कर श्री कृष्ण कन्हैयालाल जी को वंदन करें। अपने अपने स्थान पर बैठकर आप हल्के हल्के तालियों के थाप से अभिनंदन वंदन अवश्य कर सकते हैं, अवश्य करें। श्री नरेंद्र जी माधु परिवार, कृपया आप भी व्यासपीठ पर आए। श्री रामकिशन जी शर्मा, श्री मुकुंद जी काबरा परिवार, श्री राम प्रकाश जी भोतड़ा, नागपुर की परंपरा है कतारबद्ध अनुशासनबद्ध होकर हम व्यासपीठ पर पहुंचते हैं पूज्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करने। हम उस परंपरा को बनाए रखेंगे, मेरा ऐसा निवेदन। श्री विनोद जी अग्रवाल, श्री परदेशी भाई, श्री मदन जी जो इस श्री बड़ी मारा नाश्री भवन पंचायत के मैनेजर हैं, श्री रवि भाई, श्री लक्ष्मण सिंह जी, श्री शिव भाई राठी, श्री लाला महाराज, श्री सत्यनारायण जी बजाज, श्री दिनेश जी राठी, श्री पन्नालाल जी गुप्ता, श्री नारायण जी काबरा, श्री सुनील जी शर्मा, सभी से मेरा निवेदन है श्री आपके समीप पहुंच चुके हैं आपको अभिवादन करने। इनकी एक विशेषता मैं बताऊं कि ये दीन दयाल उपक्रम जो है थाली का उपक्रम, उसमें डेढ़ वर्षों से ये निस्वार्थ और निशुल्क अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद इन्हें चाहिए। हम सबकी शुभकामना है कि वे अपने इस सेवा भाव में सदैव तत्पर रहें और प्रभु उनको उतनी शक्ति प्रदान करता रहे ताकि वे अपने इस अभियान में सदैव सफल रहे। हम सब की सुनील जी आपको शुभकामनाएं। सज्जनों, चाहत थी फूल की, फूलों के साथ गुलदस्ता देख दिल खिल गया। मांगे हमने बूंदी, महाराष्ट्र कन्हैया की कृपा से बूंदी के साथ लड्डू भी मिल गया। यही हमारी भावना है। आपकी अमृतवाणी सुनने के लिए हम लालायित हैं। अब मैं आप सभी श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य श्री के श्री चरणों में विनम्र वंदन और नमन करते हुए अनुरोध करूंगा कि आज की इस श्री रुक्मिणी विवाह के कथा का शुभारंभ करने की कृपा करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन्नारायण, जय गोपाल। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, मेरे दुख के दिनों में हो
कृष्णाय नमः भगवत नामोच्चारण के साथ श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का छठे दिन का शुभारंभ आप सब एक साथ एक सर से मंगलाचरण करेंगे। कपिये तदम्बो
क्या करना क्या नहीं करना,
इसका उत्तर दिया, पाप से बचना पुण्यार्जन करना। दूसरा प्रश्न था अवतार कितने हुए, इसका भी उत्तर दे दिया। सो इस उपायों की कथा बता दी। तीसरा प्रश्न था भगवान ने कारागृह में जन्म क्यों दिया, इसका भी उत्तर दे दिया। चौथा प्रश्न था मामे कंस को क्यों मारा, उत्तर समझ में आया या नहीं। भगवान मथुरा में गए उस समय भगवान के मन में विचार आया, मेरे मामे ने बहन के 6 बेटों को मारा है, मेरे भाइयों, और इस पाप के कारण मेरा मामा कंस नरक में जाएगा। लोग मेरे को क्या कहेंगे, कृष्ण का मामा नरक में। तो भगवान ने चोटी पकड़ के कल क्या कहा था, मामा जी मेरे तरफ देखो, मरते समय जो भगवान का मुख देख के मर जाता है वो मरता नहीं है, बोलो ना, तर जाता है। ये अदा चक्र धरेण दित्या त्रिलोक्य नाथे न जनार्दने ना। ते गता विष्णु पुरी विमोक्ता क्रोधोप्य देवस्य वर्ण तुल्य, भगवान का क्रोध बर के तुल्य है। जो भगवान के हाथ से मरता है उतरता है, तो जल्दी बताओ भगवान ने मामे कंस को मारा या तारा तार दिया। पांचवा प्रश्न था भगवान ने कितने विवाह किए, तो आइए विवाहों की कथा सुनने से पहले आप सब अपने पितृश्वरों का और भगवान का स्तवन करेंगे, स्तुति करेंगे। देवकी नंदनाय
भगवान की ऐसी स्तुति करके भगवान कृष्ण के आगे की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। मामे को मार करके भगवान ने माँ देवकी का दर्शन किया। देव की माँ के पास गए, देख रहे हैं वो कितने वर्षों से, बोलो 11 वर्ष 48 दिन के बाद देव की माँ के चरणों में प्रणाम किया। माँ, मैं तेरा बेटा कृष्ण तेरी सेवा नहीं कर पाया, और जो पुत्र अपनी माँ की सेवा नहीं करता है, षष्ठी सहस्र वर्षाणी विष्टायाम जायते कृमि। भगवान कहते हैं वो 60,000 वर्ष तक मलमूत्र का कीड़ा बनता है। माँ की सेवा करो, पिताजी की सेवा करो, माँ की गोद में बैठे 11 वर्ष 48 दिन के बाद उसी समय देव की माँ के स्तनों से दूध टपक गया। भगवान के मुख में चला गया, ये माँ का वात्सल्य है। 11 वर्षों के बाद अपने आप दूध टपक गया। कोई पूछ लेगा आजकल क्या कर रहे हो, बोलो, कहोगे पितृपक्ष में पितरों के कल्याण के लिए मां को सुन रही है। अगला तुमसे प्रश्न कर लेगा, समझ में आ रही है कथा, बोलो ना, आ रही है। कहोगे कथा नहीं, हमारे यहां क्लास लगी हुई है। अगर आप उसने का क्लास लगी हुई है तो बता, भगवान कृष्ण ने देव की माँ का दूध कौन सी आयु में पिया, बोलो, बताओ बताओ, जल्दी बताओ, 11 वर्ष 48 दिन के बाद भगवान ने स्तन मुख में लिया या देव की माँ के स्तन से अपने आप ही दूध टपक गया, बोलो, अपने आप। भागवत का 10वां स्कंध 44 का अध्याय देगा, अपने आप दूध मां का वात्सल्य होता है। मां के बारे में बहुत कुछ पहले कह चुका हूं, मां की सेवा करो, माँ के पास बैठा करो, थोड़ा माँ को समय दिया करो, घर से निकलो माँ को प्रणाम करके निकला करो, वापिस आओ माँ के पास, बोलो ना, थोड़ा बैठा करो। भगवान कृष्ण के यज्ञोपवीत संस्कार कराया माता पिता ने, जनेऊ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को जनेऊ जरूर लेनी चाहिए, बच्चों को जनेऊ दिलाओ, गायत्री का जप कराओ, यदि बच्चों के जनेऊ है गायत्री जपेंगे तो फल मिलेगा, जनेऊ नहीं है तो गायत्री जपने से कोई फल नहीं मिलता। इसलिए वेद पटाने से पहले
जनेऊ दिलाई जाती है। जनेऊ तिलक और चोटी, ये तीनों चीज हिंदू को रखनी चाहिए। जनेऊ तिलक और चोटी। अब कोई पूछे जनेऊ तिलक चोटी क्यों, यह तो प्रश्न ऐसा है कोई सौभाग्य स्त्री से पूछे कि भाई तेरे माथे में सिंदूर क्यों, वो क्या उत्तर देगी? वो सिंदूर दिखा के कह देती है मैं मेरे पति की बन चुकी हूं, अब मैं दूसरे की नहीं हूं। और सिंदूर जब तक नहीं लगती है अपने कहते हैं कवारी कन्या के अनेक बार, और सिंदूर लगते ही बोलो ना वो बता देती है अब दूसरे की नहीं हो सकती, अब मैं मेरे केवल पति की हूं। ऐसी माथे में तिलक है, जनेऊ है, चोटी है, वो बता देता है अब मैं परमात्मा का हो गया हूं, अब जगत का नहीं हूं। बोलो मैं परमात्मा का जनेऊ रखो। सांदीपनी के गुरु के पास सिद्धि दे रहा तुझे कर, गुरु के पास भगवान को पढ़ने के लिए भेजा हो। भगवान कृष्ण सांदीपनी गुरु के पास 64 दिन में 64 विद्या पढ़ी। कितनी विद्या? 64 विद्या कितनी होती है कुल? 64 64 विद्या पढ़ने के बाद 64 दिन पूरे हुए, भगवान कृष्ण कहने लगे गुरु जी अब मैं मथुरा जाऊंगा, आपसे मैंने विद्या पढ़ी है, मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। सांदीपनी गुरु ने कहा रे कृष्णा मैंने तेरे को ज्ञान दिया है दक्षिणा के लिए नहीं, मैंने तेरे को ज्ञान दिया है बांटने के लिए। ज्ञान और प्रसाद बेचा नहीं जाता है, ज्ञान और प्रसाद हमेशा बांटा जाता है। ज्ञान को बेचो मत, बांटो। क्यों तुम ज्ञान को बांटोगे तो तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। हो जैसे जो तुम दान दोगे तुम्हारा धन घटेगा नहीं, यह निश्चय कर देना। ज्ञान और दान जितना तुम बांटोगे उतना बढ़ेगा। देख लेना। तो कहा कृष्ण मैंने तेरे को ज्ञान बांटने के लिए दिया, बेचने के लिए नहीं, मैं दक्षिणा नहीं लूंगा। क्या कह दिया? मैं दक्षिणा। आजकल लोग भागवत के वक्ताओं के पास जाके पूछते हैं महाराज भागवत सुनाओगे? बोलो हमारी सुनने की इच्छा है, कितना लोगे? ऐसा पूछते हो। आजकल वक्ता लोग भी भागवत को बेच देते हैं, कोई कहता 7 लाख, कोई कहता 15 लाख, कोई 21 लाख भी बोलता है भागवत बेच रहे हैं। मेरे पास भी बड़े बड़े धनी खाते हो, हाँ वो कहते महाराज आप भागवत सुनाते हो कितना लोगे? भागवत के सामने कह रहा हूं उनको मैं क्या जवाब देता हूं?
मैं कहता हूँ ये भैया मेरे गुरुजी ने मेरे को भागवत का ज्ञान बेचने के लिए नहीं दिया है, मेरे गुरुजी ने भागवत का ज्ञान मेरे को बांटने के लिए दिया है। यदि तो खरीदना चाहता है तो दूसरा वक्ता खोज ले, और भागवत का ज्ञान सुनना चाहता है तो मेरे से सुन ले। और एक बात और निश्चय कर देना, जो भागवत को बेच देता है ना, वो सुनने वाले श्रोताओं के हृदय तक बात पहुंचा ही नहीं सकता। भागवत बेचने वाले वक्ता का सत्य श्रोता के हृदय में स्पर्श नहीं कर पाएगा। इसलिए गुरु कह रहे हैं मैंने तेरे को ज्ञान दिया है दक्षिणा के लिए नहीं। बहुत सुंदर कथाएं हैं भागवत में। अब देखो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, नहीं गुरुजी मैंने आपसे पढ़ाई की है, कुछ तो लो। तो गुरु जी ने कह दिया बेटा कृष्णा तो देना चाहता है, मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, तेरी गुरु माँ के पास चला जा। हाँ उसको कुछ चाहिए तो दे दे, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण गुरु माँ के पास गए, प्रणाम किया, माँ आज मेरी विद्या पूरी हो गई, मैं मथुरा जा रहा हूं, गुरुजी मेरे से कुछ ले नहीं रहे हैं। मां तेरे को कोई इच्छा हो, जो इच्छा हो मेरे को कह दे, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा, तेरे को कुछ चाहिए तो मेरे को कह दे। गुरु मां ने क्या कहा है, भागवत का दसवां स्कंद 45 का अध्याय देखना, गुरु मां क्या कह रही है। चुप होके कृष्ण की तरफ देख रही है, देखते देखते गुरु मां के आंखों में टाप 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 अश्रु आने लगे। भगवान कृष्ण कहते गुरु मां रोई क्यों, मां तू तेरे आंखों में पानी क्यों आया। हाय हाय गुरु मां ने क्या कह दिया, बेटा कृष्ण आज मेरे पास दो दुख आ गए, इसलिए आंखों में पानी आ रहा है। मां क्या दो दुख आए, बेटा कृष्ण तेरे जितना ही एक मेरे बेटा था वो बेटा मर गया, और तो मेरे घर आया ना बेटा, उस बेटे के दुख को भूल गई तेरे को देख दे, और आज तो जाने का कह रहा है ना, एक तो वो दुख मेरे बेटे की याद आ रही है, दूसरा तेरा वियोग सताया है वो आ जाएगा। कृष्ण तेरी गुरु मां को एक चीज दे दे, यदि देना चाहता है। गुरु मां के मरे हुए पुत्र को जिंदा करके गुरु मां की गोद में बिठा दिया, यह भगवान की सत्य संकल्प। तो हम इतना तो जानते हो कि भगवान 16 कड़ाओं वाले थे, ये कौन सी 16 कड़ाएं उन्होंने भागवत में पूरी की है, सत्य संकल्प से गुरु मां के बेटे को जिंदा करके गुरु मां की गोद में बिठा दिया।
विचार करो उस माँ ने कितना कृष्ण को आशीर्वाद दिया है। उसी माँ के आशीर्वाद से, उसी गुरु के आशीर्वाद से भगवान कृष्ण का ज्ञान दिन दुना रात चौगुना बढ़ता है। मथुरा में आए, कौन सा वर्ष लगा बोलो? 12। कितने वर्षों की कथा सुनने बैठे हो बोलो? 125 वर्षों की। अभी तो 12वां वर्ष ही चल रहा है और मैं आपको 125 वर्षों की कथा पूरी बताऊंगा। अभी 14वें कड़ा चल रही है, 14 कड़ा तक बता दी सत्य संकल्प। अभी 4 प्रश्नों का उत्तर वहां है, 5 और 6 2 प्रश्न बाकी है और दिन भी 2 बाकी है। सुनते रहना तब पता चलेगा कि भागवत में क्या है। आज देव की माँ 12वां वर्ष भगवान कृष्ण का जन्म महोत्सव मना रही है। 11 वर्ष तक कौन सी माँ ने भगवान कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाया बोलो? यशोदा ने। देव की माँ तो आज पहल पोत मना रही है। ब्राह्मणों को बुलाया, मारकंडे का पूजन कराया, सप्तऋषि सप्तचिरजीवों का, घी का दीपक जलाया। तुम्हारे बच्चों का जन्म महोत्सव तुम मनाओ ना, बोलो ना, घी का दीपक जलाया। भगवान का जन्म कौन सी तिथि में मनाया जाता है कृष्ण का बोलो? जन्माष्टमी भादवा बदीनवमी। तारीख कितनी थी बोलो? आजकल तुम तारीख से मना न राम का जन्म महोत्सव तारीख से मनाया जाता है, न कृष्ण का जन्म महोत्सव तारीख से मनाया जाता है, न वामन जी का मनाया जाता है, न परशुराम जी का मनाया जाता है, न नरसिंह भगवान का, बोलना सबकी तिथियां हैं। तुम्हारे बच्चों को ये पता ही नहीं है कि वो तारीख जन्म महोत्सव तिथि से मनाओ। अष्टमी तिथि थी, दीपक जलाया। जन्म महोत्सव में घी का दीपक जलाओ, दीपक की पूजा करो। भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने। दीपक को जला के पूजा कराओ। जन्म के दिन दीपक क्यों जलाया जाता है? माता पिता ये कामना करते हैं जैसे दीपक प्रकाश कर रहा है, ऐसे मेरे पुत्र का प्रकाश सर्वत्र फैले, इसलिए दीपक जलाया जाता है। आजकल क्या हो रहा है बोलो?
कौन बजवाती है? माँ नहीं, बोलो ना, मम्मी। माँ कभी भी बेटे के जीवन में अंधकार नहीं कर सकती। मम्मी कहती है पप्पू सप्पू गप्पू टप्पू बंटी त्रट्टी डब्लू सबलू बुझा मोमबत्ती मेरा आशीर्वाद कर तेरे जीवन में अंधकार। कम से कम तुम भागवत सुन रहे हो, थोड़ा तो अपना सनातन धर्म को अपनाओ, थोड़ी तो अपनी संस्कृति अपनाओ। हम ये नहीं कह रहे हैं तुम मोमबत्ती मत बुझाओ, हम ये नहीं कह रहे हैं तुम केक मत कटाओ, हम ये नहीं कह रहे हैं तुम तारीख से जन्म महोत्सव मत मनाओ, मनाओ, लेकिन कम से कम अपनी तिथि का भी विचार किया करो। रात्रि में तुम तुम्हारा जो मनोरंजन है करो ना, दिन में तो कम से कम जन्म के दिन बच्चों से दीपक जलाया करो, मोम ये भगवान के प्रसाद चढ़ाया करो, सप्त चिरजीवों का नाम दिलाया करो। ये सात चिरजीवों का नाम याद रखो, जन्मदिन के समय बुलाया जाता है। अश्वत्थाम बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण परसो रामस सत्ते ते तिर सिर जीविना ये सात चीजें नाम बुलाया करो, बोलो सब बोलो, ओम अश्वत्थामणे नमः। ये बच्चों से बोलो ना, सब बोलो अभी, ओम अश्वत्थामणे नमः, ओम अश्वत्थामणे नमः, ओम बलये नमः, ओम बलये नमः, ओम व्यासाय नमः, ओम व्यासाय नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम परशुरामाय नमः, ओम परशुरामाय नमः, ओम विभीषणाय नमः, ओम विभीषणाय नमः, ओम कृपाचार्याय नमः, ओम कृपाचार्याय नमः, ओम मार्कण्डेयाय नमः, ओम के नाम है। ये तुम सवेरे मना लिया करो और बाद में तुम केक पे कटाना है कटाना, तारीख से मनाना है बोलो ना, मनाओ, लेकिन थोड़ा तिथि का भी ध्यान। सात चिरजीवों में हनुमान जी प्रधान है, वो सातों का नाम नहीं आ सके, हनुमान जी की पूजा करो, जन्म के दिन दीपक जलाओ, ये प्रधान है। और आज भी है, अभी भी है, हमारी कथा में भी है, जहां कथा होती है वहां कोई आवे या नहीं आवे, हनुमान जी जरूर आते हैं। और तुम्हारा बच्चा जितने वर्ष का है ना, 12 महीने का हो गया, एक हनुमान चालीसा कराओ उससे, या तुम करो। 2 वर्ष का हो जावे, बोलो ना, 2 हनुमान चालीसा। 3 वर्ष के हो जावे, बोलो ना, 3 हनुमान चालीसा। और तुम 60-65 वर्ष के हो जाओ ना, तो 60-65 हनुमान चालीसा। जितनी आयु होती है उतना हनुमान चालीसा किया। यदि तुम जन्मदिन के दिन हनुमान चालीसे का बच्चों से पाठ कराओगे, हनुमान जी के लड्डू चढ़ाओगे, हनुमान जी ऐसे देवता है तुम्हारे बेटे को कंधे पर बिठा के राम जी से मिला देंगे मेरे भाई। हनुमान चालीसा माँ देवकी ने सात चीजियों का नाम दिलाया। ओ, केक नहीं कटवाया हो, बोलो ना,
ये रामकृष्ण की धरती है, वो हमारे कन्हैया की धरती है। यहां तो 56 प्रकार की मिठाई, विदेशों में कोई मिठाई नहीं होती हो, वो केक फेक होता है विदेशों में, केक और चक्कू। बोलो चक्कू जन्मदिन में कौन देती है बेटों को? बोलो पुत्रों को, मम्मी देती है, माँ नहीं। माँ तो जन्मदिवस के समय बच्चों को हनुमान चालीसा देती थी, बेटा रे आज तेरा जन्मदिवस है हनुमान चालीसा का पाठ का। और मम्मी क्या देती है? चाकू, चक्कू। और कहते ले पप्पू ले चक्कू, और चक्कू चलाना कौन बता रही है? मम्मी बता रही है। इसलिए आगे चल के पप्पू चक्कू मम्मी को ही दिखाता, चुप रहे मेरी भाई को खुद कह दिया, देख चक्कू। हाँ थोड़ा दे दो, हम खंडन नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सवेरे हनुमान चालीसा तो कराया करो, मनोरंजन तुम्हारा करो ना, हम कहा मना कर रहे। इतने दिन तो मैं हमेशा यही कहता था कि जन्म दिवस अपनी तिथि में मनाया करो, लेकिन क्या करो, ये पहली बार आपने मेरे को तारीख से मना दिया, इसलिए बोल रहा हूं तारीख, लेकिन तुम तिथि को मत बोलो। तारीख को मैं मनाओ तो हमारा केक वेक तारीख वाले दिन कटा लिया करो, लेकिन तिथि वाले दिन तो हनुमान जी की पूजा। ये संस्कृति का रास हो रहा है आजकल महाराज, जन्मदिवस पर ऐसे मनाते हैं और विवाह का भी मनाते हैं आजकल। 25 वर्ष को क्या बोलते हो? विवाह 25 वर्ष होता है तो मनाते हैं कहीं, इसको क्या कुछ को बोलते हैं, जुगली, कौन सी? शिलोवर जुगली, शिलोवर जुगली के लोवा जुगली। 50 वर्ष हो जावे तब भी, और 70-80 के बाद में एक होती है, उसका नाम नहीं आ रहा है मेरे बाप, समझ जुबली। अरे ये हमारी भारत की संस्कृति नहीं है, ये विदेशों की संस्कृति है। वो विदेशी कोई पत्नी के साथ 5 वर्ष कोई रह जावे ना, उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि हम इस पत्नी के साथ 5 वर्ष रह गए, और 25 वर्ष हो जावे ना बड़ा आश्चर्य होता है। और हमारे या तो पति पत्नी का संबंध अटूट है, अमर है, और मरने के बाद भी टूटता नहीं है, पति मर जाता है तो पत्नी उसका श्राद्ध करती है। हमारे पति पत्नी का संबंध टूटता नहीं है, विदेशों में टूट जाता। पत्नी पति के लिए करवा चौथ का व्रत करती है, क्यों करती है? कि बार बार मेरे को ये पति मिले, ये टूटता नहीं है देखो। और 12 महीनों में 48 व्रत ऐसे हैं जो पत्नी केवल पति के लिए करती है, 48 व्रत। संबंध टूटा हमारी भारत की संस्कृति का। एक विदेशी महात्मा था भारत का, वो विदेश में चलता हो, भारत का महात्मा था विदेश में चला गया, वहां उसने देखा एक कब्र के अंदर किसी का पति मरा पड़ा है, और पत्नी क्या करती है बोलो? ऐसे पंख से हवा कर रही है। तो अपने भारत वाले महात्मा ने विचार किया, यहाँ बड़ी पतिव्रता स्त्रियां हैं, देखो हमारे यहाँ तो पति मर जाता है पत्नी शमशान में जला देती है, और यहाँ कैसी पतिव्रता नारियां हैं कि मरे हुए भी पति को पंखी से हवा दे रही है, कहीं मक्खी न बैठ जाती है। इधर से एक विदेशी आ रहा था, उसने महात्मा ने कहा उसको, अरे भैया हम भारत के महात्मा हैं,
यहाँ बड़ी पतिव्रता नारियां, हमारे भारत में तो किसी पत्नी का पति मर जावे वो शमशान में जलवा देती है, और यहाँ कितनी पतिव्रता नारी है कि कब्र के अंदर पति मरा पड़ा है और उसका हवा दे रही है। वो विदेशी बोला, ये हवा पति को नहीं दे रही है महाराज, तो यहाँ का नियम है जब तक कब्र सूखती नहीं तब तक पत्नी दूसरा पति बना नहीं सकती, इसलिए पंखी लेके कब्र सुखा देंगे कि कब कब्र सूखे कब दूसरा पति। भाई भारत की संस्कृति अखंड है, ये सनातन धर्म है, इसका नाम जो कभी नाश नहीं होता है अपनी संस्कृति। भगवान का जन्म महोत्सव देव की माँ ऐसे दीपक करके मना रही है, और अपने यहां बोलो विदेश के देखा देखी तो कर रहे हैं, करो मनोरंजन करो कोई बात नहीं तुम्हारा, लेकिन भारत की संस्कृति के वीर को भी आज 25 वर्ष हो गए पति पत्नी को बिठा के सुंदरकांड कर लो थोड़ा, वो भी तो करो, इसको तो खत्म मत करो, वो भी मनाओ ये भी मनाओ, जो खास है उसको भूल रहे हैं और जो खास नहीं बादशाह के देश का उसको अपना रहे हैं। अरे अपनी भारत वाली भी रुद्राभिषेक कराओ, शिव जी का पूजन कराओ, आज 25 वर्ष अपने को विवाह के हो गए गौरी शंकर की पूजा करो, 50 वर्ष हो गए कोई घर में शुभ काम करो। हमने एक बार लगभग 10-12 वर्ष पहले 13 वर्ष पहले ऐसा भागवत ज्ञान यज्ञ किया रामेश्वर में, जहां पर 25-30 व्यक्ति 25 वर्ष हो गए विवाह वाले इकट्ठे हुए सगे संबंधियों के इष्ट मित्रों के, और 50 व्यक्ति ऐसे थे जिनके विवाह के 50 वर्ष से ऊपर हो गए, और सब ने इष्ट मित्रों को सबको बुलाया रामेश्वर से, हम रामेश्वर में हमारी कथा कराई, हम गए वहां पर। अब 25 नयुग किसी के बेटे किसी के पोते, किसी का दादा 50वां मना रहा है, किसी का पिता 50वां मना रहा है, बेटा मना रहा है, और उसके सगे संबंधी करके कम से कम 700-800 व्यक्ति वहां पर इकट्ठे हुए भागवत किया। काम ऐसा करो तुम्हारा 25 वर्षों से तुम्हारी हो संपन्नता हो भगवान की कृपा हो, भागवत को बुलाओ, नहीं तो रामायण कराओ। आज हमारा 50वां वर्ष है, पंडितों को बुला के गीता कराओ, बच्चों को संस्कार करो, बच्चों को संस्कार दो, हम बच्चों को संपत्ति तो दे रहे हैं लेकिन संस्कार नहीं दे रहे। अरे संपत्ति नहीं दोगे यदि संस्कार है बच्चों के पास तो संपत्ति तो आ ही जाएगी, और संस्कार तुमने बच्चों को नहीं दिया संपत्ति दे दी तो वो तो संस्कार नहीं होंगे तो सट्टा शराब ही पिएंगे, सत्संग का भी थोड़ा संस्कार ऐसा मनाओ। लेकिन आज 5-7 की संस्कृति आ गई। एक बार मेरे को दिल्ली में मेरा भक्त था बुलाया, कहा हमारे दादे जी का महाराज 70 वर्ष के हो गए मना रहे हैं, जुगली तो मेरे को नहीं आ रही है, बोला अंग्रेजी पटा हुआ नहीं, अटपटा नाम है क्या, हिरक जयंती बोलते हैं हम तो संस्कृत में उसको, अब बाकी आप सुन लेना। मैं गया हमारा ये स्टेज तो बहुत छोटा है, ये भवन भी बहुत छोटा है, बड़ा भारी पंडा हाँ बड़ा स्टेज, मैंने कहा देखे कैसे मनाई जाती पहल पोती देखा, जय पंडाल एकदम सगे संबंधी मित्र सब आ गए बैठ गए, बड़े बड़े सोफे लगे हुए, फिर स्टेज पर बोलो 77 वर्ष के दादाजी 75 वर्ष की दादी जी स्टेज पर आई, पोते पड़पोते सरपोते बेटे सगे संबंधी
हमारा दादाजी का हाथ में बच्चों ने माला दी, मैं देख रहा था दादी जी के हाथ में दी। बच्चे कहते दादाजी दादी जी, दादी जी ने माला फेरा, ठीक था, मेरे को ठीक ही लगा, कोई खराब नहीं लगा, ठीक है। दादाजी दादी जी को माला फेरा रहे हैं, दादाजी को माला फेरा, यहाँ तो ठीक था, क्या करूं बताने में बड़ा संकोच भी आ रहा है, लेकिन कह देता हूं। अब बच्चे कहने लग गए 77 वर्ष के दादाजी को, दादाजी ने गोदिया लियो, बेचारे से लोटा उठे नहीं, गोद कहां से लेगा। थोड़ा संस्कृति गोद में भगवान लड्डू गोपाल को बैठाना है, बोलो 70 के बाद में तो उसको बिठाओ, माला पहराओ मत पहराओ, लेकिन हाथ में माला लेके माला का जप करो कि अब ये जगत छोड़ के जाना है, कम से कम भगवान को तो याद करो 50 के बाद 60 के बाद। माँ के पेट में सोए थे याद करो, जन्म लेके पृथ्वी पर सोए थे उसको भी याद करो, मखमल के गद्दे पर सोए थे उसको भी याद करो, याद करते करते उसको भी याद कर लो कि अब शमशान में सोना है। उससे पहले क्षीर समुद्र के सोने वाले भगवान विष्णु का अब ध्यान करो तो शेष सया पर सोया है, पेट में सोय मही पुनि सोयो, जननी संग सोय के बाल कवायो, अरे जवान भयो युवती संग सोय के सारी उमातम प्रथा गमायो, क्षीर समुद्र के सोवन हारे ताई सपने में नहीं ध्यान लगायो, अरे सोवत सोवत सोय गयो चिता पे सोवन को, बोलो ना नंबर आयो, ए अब तो शमशान का नंबर है, शमशान को याद रख, कम से कम चौथे चरण में चले जावे हम तुम 60-70 के हो जावे उस समय चौथा चरण, 75 में लगता है लेकिन 17 में चौथा चरण है आजकल, वो उस समय तो बस घर को याद मत करो, घर से ममता छोड़ो, शमशान को याद रखो कि अब शमशान में जाना है। घर से निकलते ही ड्राइवर रहता है, गाड़ी का दरवाजा खोलता है, कहीं जाना होता है तो 4 चक्के वाली गाड़ी पे चल के जाते हैं, लेकिन फिर विचार करो अब चौथा चरण लग गया, 4 चक्कों की गाड़ी पर चल के नहीं जाएंगे, अब तो नहीं जाने कभी 4 जनों के कंधों पर ही चढ़ के जाएंगे, उन 4 जनों के कंधों को याद रखोगे भगवान की याद आएगी, और 4 चक्के वाली गाड़ी को याद रखोगे तो प्रभु की याद आएगी, हमेशा शमशान को याद रखो। हम हाथी पे चढ़े हैं, हवाई जहाज में चढ़े हैं, घोड़े पर चढ़े हैं, ऊंट पर चढ़े हैं, लेकिन ये विचार कर लेना एक दिन मेरे को 4 जनों के कंधों में चढ़ना है तो चतुर्भुज नारायण का चिंतन करूंगा। गर्व चढ़े पुनि अश्व चढ़े पलना पे चढ़े चढ़े जो ये जना के, हाथी चढ़े पुनि ऊंट चढ़े सुखपाल चढ़े चढ़े जो ये गना के, शत्रु और मित्र के चित्त चढ़े कवि गंग कहे अब बीत बना के, अरे ईश कृपालु के जाने बिना अब कंद चढ़े चले 4 जना के, एक दिन 4 जनों के कंधों में जाना है, चढ़ना है शमशान जाना है। घर को याद रखेंगे भगवान की याद नहीं आएगी, और जिस दिन तुमको
शमशान की याद आवे, समझ लो अब भगवान की याद आ ही जाएगी। जब तक महलों को याद रखेंगे, घर को याद रखेंगे, गाड़ी को याद रखेंगे, पत्नी को याद रखेंगे, पुत्रों को याद रखेंगे, तब तक परमात्मा की याद आ ही नहीं सकेगी। और जिस दिन शमशान को याद रख लोगे, उस समय परमात्मा की याद आ जाएगी। हमेशा सोते हुए विचार करो कि मौत मेरा बाल पकड़े हुई है, बस कल का सूर्य उदय होगा या नहीं होगा पता नहीं, भगवान की कृपा हो जावे कल का सूर्य उदय हो जावे तो प्रभु का चिंतन करूंगा, मौत तो बाल पकड़े। ये विचार करके हमेशा तुम दान पुण्य करते रहो, ये विचार करके कि मौत बाल पकड़ी हुई है, जो मैं कर लूं मेरा है, ये करके तुम दान करते रहना, भगवान का नाम लेते रहना। लेकिन व्यापार करते समय ये विचार मत कर देना कि मौत बाल पकड़ी हुई है, बोलो ना कल मर ही जाऊंगा तो आज दुकान क्यों जाऊं, नहीं। व्यापार करते समय, दुकान जाते समय तुम हमेशा यह ध्यान रखो कि मेरे को 1000 वर्ष तक जीना है, 100 वर्ष तक नहीं, वहां पर बता दिया 1000, ऐसा भाव करके तुम उद्यम करते रहो। और दान करते समय यह विचार कर दो, भगवान का नाम लेते समय यह विचार कर दो कि मौत बाल पकड़ी हुई है, कब ले जाएगी, जो कुछ कर दू शमशान को याद रखो। एक फकीर था, ध्यान देना, राजा के घर गया, राजा ने महात्मा को एक ऐसा कंबल दे दिया। फकीर महात्मा बड़ा प्रसन्न हुआ, कंबल को कंधे पर रख लिया, बाहर निकला, चोर ने देख लिया कि महात्मा के कंधे पर कंबल बड़ी कीमती है। चोर विचार करता है महात्मा कंबल का क्या करेगा, मैं कंबल छीन लूं और कहीं बेच के मांस मदिरा शराब पी लूं। महात्मा अपनी धुन में जा रहा था, फकीर के पीछे पीछे वो चोर गया, मौका दे करके कंबल को छीन लिया, छीन करके दौड़ा, महात्मा उसके पीछे दौड़ा, महात्मा दौड़ रहा है उत्तर की तरफ, फकीर इधर दौड़ रहा है दक्षिण की तरफ। आगे दुकानदार बैठे हुए थे, दुकानदारों ने देख लिया था महाराज वो चोर तो इधर उत्तर की तरफ दौड़ रहा है, आप इधर दक्षिण की तरफ दौड़ रहे हो, ये दक्षिण में आगे कुछ नहीं मिलेगा, केवल शमशान भूमि मिलेगी। महात्मा कहता भैया शमशान मिलेगा तो शमशान में जाके बैठ जाऊंगा, आज तो दौड़ रहा है लेकिन उसको एक दिन तो शमशान में तो आना ही, उस समय हिसाब किताब पूरा करूंगा, शमशान में जाना है। ये विचार करके प्रभु का नाम लो, दान करो, जो कुछ तुमसे बनता है तो बनाओ, तुम जन्म महोत्सव मनाओ, तुम विवाह की स्वर्ण जयंती मनाओ, रजत जयंती मनाओ, हीरक जयंती मनाओ, लेकिन भगवान के नाम के साथ मनाओ। ठाकुर जी आपने मानव तन दिया है, इस तन को प्राप्त करके मैं आज 50 वर्ष का हो गया हूँ, बस मेरा जीवन सफल करने के लिए मैं घर में सुंदर कांड करा रहा हूँ, ऐसा भाव, आज मेरा जन्म मौसम है, हे हनुमान जी आप जीवी जी हो, मैं आपको मना रहा हूं, और बाकी तुम दुनिया करे वो करो ना महाराज, मैं कहूंगा तुम ही छोड़ोगे तो नहीं, इसलिए करो वो भी करो, लेकिन जो मुख्य है उसको छोड़ो, उसको भी करो। तो भगवान का जन्म महोत्सव माँ देव की मना रही है, कौन सा जन्म महोत्सव मना रही है बोलो, कितने वर्ष के हो गए, 12वां वर्ष, उद्धव जी देख रहे हैं,
बड़े देख रहे हैं, मां मना रही है, भगवान के आंखों में पानी आ रहा है और मां अर्ज कर रही है, हे ठाकुर, ठाकुर की मां अर्जी कर रही है ठाकुर से, मेरे बेटे को चिरायु रखो। अर्जी है सांवरिया, तासो छोटो सो है काम, काम क्या है, मेरा ये कन्हैया चिरायु बने, निरोगी बने, देवताओं में ब्राह्मणों में निष्ठा रखे। देखो एक परमात्मा की मां है, वो जन्म दी उसके समय मारकंडे आदि का पूजा करा के ब्राह्मणों के चरणों में नतमस्तक झुका रही है, प्रभु से प्रार्थना कर रही है, अर्जी है। Oh,
तो देव की मां बना रही है। और उद्धव जी देख रहे हैं भगवान के आंखों में पानी आ रहा है, भगवान रो रहे हैं। और आज जन्म है, आंखों में पानी क्यों आया? उद्धव जी ने पूछा, भगवान आपके आंखों में पानी? अरे मथुरा के लोग आपको राजा मानते हैं और आप रो रहे हो जन्मदिवस के समय। भगवान कहते हैं उद्धव मैं नहीं रो रहा हूं, मेरे को कोई रुला रहा है। उद्धव आज मेरा जन्मदिवस है, मैंने ठाकुर की पूजा की है, बहुत आनंद आया। ब्राह्मणों की पूजा में बहुत आनंद आया, आज मेरा जन्मदिवस। ब्राह्मणों को भोजन कराते समय भी बहुत आनंद आया मेरे जन्मदिवस में। लेकिन उद्धव मथुरा के लोग मेरे को राजा मान रहे हैं, आज मेरे जन्मदिवस के अंदर ये मिठाई लाए हैं, लेकिन आज मेरे को प्राण प्यारी गोपिका याद आ रही है। मिठाई तो ये लाए हैं, लेकिन आज मेरी गोपियां होती तो मेरे लिए माखन जरूर लाती है। आज माँ यशोदा होती तो मेरे को माखन जरूर। देव की माँ के पास दूध है लेकिन माखन नहीं, क्योंकि देव की तो पराधीन है मथुरा में। यशोदा माखन खिलाती, इसलिए माँ की याद आ गई, गोपिकाओं की याद आ गई बहुत ज्यादा। उद्धव जी ज्ञानी थे, वेदांती थे, ज्ञान के कमंड में क्या कह रहे हैं, भगवान आप मथुरा के राजा बन गए हो, अब आपको उस अनपढ़ गांव की ग्वालिनों को भूल जाना चाहिए, उनके लिए क्या रो रही है। उद्धव जी को भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव है गांव की ग्वाली ने तो कह रहा है, ठीक कह रहा है, लेकिन प्रेम विलक्षणा भक्ति कैसे होती है, वो तो उद्धव तेरे को गोपिकाओं के पास जाके सीखना पड़ेगा। उद्धव जी बृहस्पति के चले हैं, उद्धव जी ने मृत्यु लोक में पढ़ाई नहीं की है, वो स्वर्ग में जाकर के बृहस्पति से पढ़े थे, इंद्र आदि देवताओं के गुरु से वो उद्धव पढ़े थे। इसलिए वो कहता है उद्धव ज्ञान के घमंड में, भगवान गांव के ग्वाले ने मेरे वेदांत के रहस्य को समझ नहीं पाएगी, मेरे ज्ञान को समझ नहीं पाएगी। भगवान ने कहा उद्धव एक काम कर, ले ये काली कमल दे जा कंधे पर, अब तो गोपिकाओं के पास चला जा, मेरी प्राण प्यारी गोपिकाएं उद्धव पर कुछ से बात नहीं करती है, ये कंबल कंधे पर रखना, कंबल तेरे कंधे पर रहेगी, वो कंबल को पहचान लेगी, तब मेरी प्राण प्यारी गोपिकाएं तेरे से बात करेगी। जा, भक्ति और ज्ञान का मिलाप हो रहा है छठे दिन। उद्धव ज्ञान का प्रतीक है, गोपिकाएं भक्ति की प्रतीक है। आज कथा में समझना कि ज्ञान जीतेगा या भक्ति जीतेगी, ज्ञान हारेगा या भक्ति हारेगी, दोनों का मिला। उद्धव जी रवाना हो गए गोपिकाओं उसको समझाने के लिए, और मन में विचार कर रहे हैं भगवान ने भेजा है लेकिन मेरा ज्ञान समझ नहीं पाई। उधर गोपिकाएं रात दिन कृष्ण का चिंतन कर रही है, यमुना किनारे पर बैठी हुई, एक दो बोली है, अरे बहनो बहनो उसको 12 महीने हो गया मथुरा गए, तो भूल गया हमको। दूसरी कह रही है,
भूला नहीं है। मैं सवेरे उठे बहनों, मेरे को हिचकी पर हिचकी आ रही थी, वो भूल जाता तो मेरे को हिचकी नहीं आती, ऐसी बातें कर रही है। ये कह रही है ना, भूला तो नहीं है। रात में मेरे को सपने में 3 बार दिखा। यदि वो भूल जाता तो मेरे को सपने में नहीं दिखता। ऐसे गोपिकाएं आपस में बात करती हुई, एक गोपी कहती है, देखो देखो आओ हमारे पास आता, हम उसको काला 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 ऐसे कहती थी ना, तो भी वो गुस्सा नहीं करके हमको कैसे उत्तर देता था। दया की धरना बहता देता ना
जमीन गिली हो गई। उद्धव जी या तो गिली
जमीन पर खड़े थे या विचार किया, ये माँ यशोदा के प्रेम के आंसू। जट जमीन की मिट्टी को हृदय में लगाया, गिल्ली गिल्ली जमीन चलते गए, यशोदा का घर आया। उधर जी देख रहे एक नाला है, नाले में से टाप 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 पानी निकल रहा है। उधर जी अंदर गए, आंगन में यशोदा माँ केश बिखरे हुए खड़ी बैठी है, टाप 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 आंसू कृष्ण के बिरे में निकल रहे हैं, नाले की तरफ जा रहे हैं, नाले से बाहर जमीन गिरी हुई है। उधर जी ने जाके माँ को प्रणाम किया, माँ ने पूछा कौन है तू? उद्धव जी कहते हैं माँ मेरा नाम उद्धव है, मैं मथुरा से आया हूं। अरे उद्धव मथुरा से आया है, जल्दी बता मेरा कानूड़ा समय पर भोजन तो कर रहा है ना। माँ ने क्या पूछा, एक ही समाचार पहला क्या, मेरा कृष्ण समय पर भोजन तो कर ही रहा है ना। ये केवल यशोदा माँ नहीं पूछ रही, हमारी माँ की भी यही दशा है। माँ राजस्थान में है, बेटा नागपुर में है, और कोई बेटे के पास से नागपुर से राजस्थान कोई बेटे का मित्र जाता है, उससे माँ क्या पूछेगी, अरे कहां से आया? कहा नागपुर से आया हूं। अरे जल्दी बता नागपुर में मेरा केला समय पर भोजन तो कर रहा है ना। ये देखो माँ ये पूछती, माँ का पहला समाचार बेटे के प्रति एक ही रहेगा कि मेरा बेटा समय पर भोजन तो कर रहा है। ये समाचार पिता नहीं पूछता है, मां पूछती है। बेटा नागपुर में है, पिता राजस्थान में बीकानेर में है, बोलो। और कोई उसके पास से मित्र जाएगा बेटे के पास से पिता के पास, पूछेगा अरे कहां से आया? क्या नागपुर से आएगा तो क्या पूछता है, राधे श्याम समय पर दुकान तो खोल रहा है ना? ये हाँ पिता ये पूछता है, माँ का कितना पास है? माँ एक ही समाचार पूछती है, मेरा बेटा समय पर भोजन तो कर रहा है। उद्धव जी कहते हैं हाँ माँ, कल ही जन्मदिवस था, आपको बहुत याद कर रहे थे, मां ने भोजन कराया। अब उद्धव जी गांव की गोपिकाओं से मिलने जा रहे हैं, ज्ञान और भक्ति का मिलाप हो रहा है। उद्धव ज्ञान का प्रतीक, गोपिकाएं भक्ति की प्रतीक, आज कौन जीतेगा कौन हारेगा देखा। उद्धव जी ज्यों ही गोकुल में वृंदावन में गलियों में जो घूम रहे हैं और देख रहे हैं, गांव की वो गोपिकाएं माथे पर मटका लेके दही बेच रही थी और कृष्ण बीरे में पागल हो चुकी, बेचना दही था, बोलना था दही ले लो दही ले लो, लेकिन उनके मुख से निकल रहा है गोविंद ले लो गोपाल ले लो गोविंद ले लो गोपाल ले लो। उद्धव जी ने कहा गोविंद को बेच रही हो, नहीं तो हम तो दही बेच रही है, काबी तो कह रही थी गोविंद ले लो गोपाल ले लो। गोपिकाएं कहते उद्धव क्या बतावे, वो बुलाने पर बुलाया नहीं जा, आप भूलना चाहती है फिर भी बुलाया नहीं जा रहा। इतने में उद्धव जी आगे बढ़े,
एक बड़ा मटका लेके गोपी आवाज लगा रही है, गोविंद ले लो, गोपाल ले लो, गोविंद ले लो, गोपाल ले लो। उद्धव जी पास में जाके काले दे दे। ज्योई गोपी ने मटका नीचे उतारा, उद्धव जी क्या देख रहे हैं, दही के मटके में कन्हैया नाच रहा है। उद्धव जी के ज्ञान के घमंड का चकनाचूर चकनाचूर उद्धव जी देख रहे हैं, दही के मटके में कन्हैया नाचता हुआ बांसुरी बजा रहा है। बांसी जोर की बजाई रे नंदलाल,
बजा रही है, नाच रही है। उद्धव जी के घमंड का चकना चूर आया था। उद्धव मथुरा से उस समय विचार आया, मैं गोपिकाओं का गुरु बन के आऊंगा, आज गोपिकाओं के प्रेम विलक्षणा भक्ति को देखा, गुरु बनता तो दूर हो गया, दूर रह गया उद्धव तो गोपिकाओं के चरणों के ऊपर माथा टेक करके प्रणाम करने लग गया। भक्ति ज्ञान का मिलाप हुआ, ज्ञान हार गया, भक्ति जीत। उद्धव जी गोपिकाओं की तरफ देख रहे हैं, गोपिका रो रही है कृष्ण जी ने। उद्धव जी कहते हैं गोपिकाओं रो क्यों रही हो, कोई मन की बात है तो बता दो, मैं जाके बता दूंगा। गोपिकाएं कहते हैं उद्धव मन हुए तब ना, मन तो हमारे पास ही नहीं, मन तो हमने पहले ही कृष्ण को दे दिया। ये शरीर ही उसका है, मन उसको दिया हुआ। भगवान को देना है मन देव, दान किसी गरीब को देके राजी करो, मन भगवान को देके राजी करो। हम धन भगवान को धन कितना देंगे, धन की उसके पास कमी नहीं है। वो लक्ष्मी का पति है, बोलो ना, घरवाली लक्ष्मी है। भगवान को धन नहीं मन दे, धन से गरीब की रक्षा करो, धन से गौ माता की रक्षा करो, धन से अनाथों की रक्षा करो, धन से दीनों की रक्षा करो। भगवान को धन नहीं चाहिए, भगवान को क्या चाहिए, मन चाहिए। उद्धव जी गोपिकाओं के चरणों में गिर करके कहते हैं गोपिकाओं कोई बात लिख दो, कागज लिख दो, तुम्हारा कोई गुप्त बात है तो लिख के दे दो, मैं दे दूंगा। गोपिकाएं कहते उद्धव क्या बात बतावे, क्या लिखे, क्या समाचार सुनावे तेरे को। उद्धव नंदन नंदन ब्रज नंदन का वियोग सहन नहीं हो रहा है, वो बिछड़ा उससे पहले हम मर जाती ना, हमको उनका वियोग नहीं सताता, मर हम नहीं रही है, अब वियोग अब से सहन नहीं हो रहा है। जाति न कृष्ण विदेश गए, गलहो न लगे न परिचरना, ता दिन से तन ताप रहो, मन झूर रहो कृष्ण को मिलना, भूल गई सुख फूल रहो दुख, नेन लगी गिरी को झरना, कवि गंगयो गोपी बिचारी करे, कृष्ण के बिछुड़े तो भलो मरना, कृष्ण बिछुड़े उससे पहले हम मर जाते, उनका वियोग नहीं सताता। अरे पत्र लिख दो, दवात कलम गोपिकाओं ने लिया है। सुखदेव भी वर्णन करते हैं परीक्षित, उस समय जो गोपिका ये पत्र लिख रही है, कृष्ण की पुरानी बातें याद आ रही है, आंखों से पानी निकल रहा है और पत्र पर गिर रहा है, और जो पत्र लिखे पत्र भीग जावे, फिर पत्र उठावे, फिर पत्र भीग जावे। कागज द्वात कलम ले हाथ में, याद करे तो यो भर जावे, चित्त विचित्त वही तन व्याकुल, अक्षर एक लिखे वह न जावे, उठत तन में विरह कथा, नैना में भाद्र मास जनावे, कैसे लिखो कृष्ण को पतिया, पतिया लिखता पतिया गल जावे। कागज द्वात कलम ले हाथ में, याद करे तो यो भर जावे, जो याद आवे हिवड़ा भर गया, चित्त विचित्त वही तनु व्याकुल, अक्षर एक लिखे हने जावे, जो पत्र लिखे इतने प्रेम के समुद्र में डूब चुकी,
लिखाई बोल रही है, ऊटत तन में विरह कथा, मेणा में भाद्र मास जनावे। कृष्ण का वियोग इतना याद आ रहा है। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित मानो गोपिकाओं के आंखों में श्रावण भादवे की घोर घटा बरस रही है, कागज भीग रहा है। कैसे लिखो कृष्ण को पतिया, पतिया लिखता पतिया गल जावे। जो पत्र लिखे तो पत्र भीग। उद्धव जी ने प्रणाम करके कहा गोपिकाओं मैं अपने आप तुम्हारा समाचार सुनाऊंगा। उद्धव जी यशोदा माँ के पास गए थे। भागवत में तो लिखा है उद्धव आया था एक दिन के लिए, लेकिन गोपिकाओं की दिव्य भक्ति में इतना पागल हो गया कि 6 महीने निकल गए, पता ही नहीं चला। भक्ति करते समय समय का पता नहीं चले तो समझो तुम्हारा मन स्थिर हो गया। और तुम माला फेरने बैठो 5 मिनट का समय लंबा गैर बार बार घड़ी को देखना चालू करो ना, समझ लेना अभी मन स्थिर नहीं हुआ। 5 मिनट का समय भी लंबा लगेगा जब तक मन स्थिर नहीं रहेगा। अरे आज जाना है सोता किसे मिल के जाऊं। वो था उद्धव ज्ञानी का वेदांती का यशोदा की भक्ति के अंदर ऐसे मिल गया। अरे ओ देव गोपिकाओं की भक्ति में ऐसे मिल गया। भक्ति गोपिकाएं की दूध की तरह मीठी थी, लेकिन उद्धव तो मिश्री का काम कर गया, ज्ञान को भूल गया, भक्ति करने लग गया। भक्ति में समय का पता नहीं लगता। यशोदा के पास गया, मां आज मैं जा रहा हूं। यशोदा कह रही है उद्धव मेरे कानोड़े को माखन का बहुत शौक है, ले जा ये मेरे कृष्ण को माखन दे देना, कह देना तेरी माँ यशोदा ने दिया है। मेरे भाई ये माँ यशोदा ही नहीं दे रही है, हमारी माँ की ये यही दशा है। गांव से कोई भी पड़ोसी का बेटा बोलो ना माँ के बेटे के पास आएगा ना, माँ को पता लगेगा। माँ दौड़ी दौड़ी जाएगी, बेटा नागपुर में है माँ डूंगरगढ़ में है, बोलो हजारों को सुनी अर्जेंट कहेगी तो नागपुर जाएगी। हाँ जाओ भाई रे मैं सुनील में हल्दीराम को भुजिया थोड़ा डूंगरगढ़ खाटर और सुपारी बेचेगी माँ बेचती। सबकी माँ की यही दशा, वहां खाने के लिए भेजेगी। और पत्नी रह रही है राजस्थान में, पति रह रहा है डूंगरगढ़ ये नागपुर में, तो पत्नी जुट गह रही है आप जाओगे ना, अंदर बैठ के इतना अपना पत्र लिखेगी, बोलो बंद करके कहते दे देना। हाँ पत्र में क्या लिखेगी, दिवाली आ रही है, दिवाली से 15 दिन पहले आ जाना और इतनी साड़ियाँ लानी है, ये लाना है वो लाना है, बोलो ना क्या क्या लिखोगे बोलो। माँ हमेशा खाने के लिए भेजती है, पत्नी हमेशा मंगाने के लिए बोलो ना भेजती है। माँ का बात सके आज हमारी माताओं की क्या दुर्दशा हो रही है। जो माँ हमारा इतना ध्यान रखती है, घर की पोती को लो नहीं पड़ोसी की को लो नहीं तो कोई गांव में मिल जाएगा। कोई बेटा पुण्यात्मा होता
सकता है, माँ की सेवा कर सकता है, लेकिन भाई आज तो हमारे भारत के अंदर पांच साल की संस्कृति आ गई है। आज बूढ़े माता पिताओं की क्या दुर्दशा है। एक बार हम राजस्थान में कथा कह रहे थे, सच्ची बात बता रहा हूं, एक माँ के दो बेटे थे, एक वकील था एक डॉक्टर था। पिताजी मर गए, दोनों बेटों ने क्या किया, पिता का धन बारह दिनों में बंटवारा कर दिया। हाँ, लेकिन दुर्भाग्य से माँ को भूल गई। अब माँ को पता लगा कि पिता के धन का तो मेरे पति का धन का बंटवारा हो कर दिया, मेरे को भूल गए। माँ गई पड़ोसियों के पास, भाई मेरे पति का कमाया हुआ था आ लिया है, कोई बात नहीं, लेकिन तीन हिस्से कर देते, दोनों ये भाई भाई ले लेते, एक मेरा को मेरे को दे देते, तो बुढ़ापे में मेरे काम आता है, मंदिर है, देवरा है, कथा में जाऊं तो भी आरती में दो पैसा डालू, पैसा है नहीं। आप कहो ना मेरे दोनों बेटों को कि मेरा भी हिस्सा दे दीजिए। पड़ोसी गए बारात, देखो आपके पिताजी चले गए, है तो आपकी माँ का धन ही है, यदि वास्तविकता देखो तो सारा धन माँ का है, फिर भी आपने दोनों ने हिस्सा कर दिया, माँ को भी देना चाहिए, आप तीन हिस्सा कर दो। दोनों भाई बोले, माँ के लिए हमने बहुत भारी व्यवस्था कर दी है, जिंदगी भर की लिखा पढ़ी कर दी है। तो पड़ोसी ने कहा, क्या लिखा पढ़ी करी? बारह महीनों में तीन साड़ी बड़ा बेटा देगा, तीन साड़ी छोटा बेटा और कपड़े भी। और क्या किया, एक तारीख से तीस तारीख तक माँ बड़े बेटे के यहाँ भोजन करेगी, एक तारीख से तीस तारीख तक छोटे बेटे के यहाँ, और माँ को क्या चाहिए। वो माँ मेरी कथा में आ गई, भाई और सच्ची बात बता रहा, जनवरी का महीना था, मैं कथा कह रहा था, बड़ी कमर उठी हुई उसने, थर थर कांप रही थी, सर्दी बहुत लग रही थी। मेरी कथा में सर्दी में कोई बूंद गिरी बादाम का लड्डू चढ़ा के गया, वो थर थर कांप रही थी, मेरे को दया हुई, मैंने सोचा ये लड्डू इस माँ को दे दू, सर्दी पड़ रही है। मैंने वो लड्डू बूढ़ी माँ को दे दिया, माँ ने वो लड्डू दिया, हृदय में लगाया, लगा के कहते गुरुदेव ये लड्डू मैं आज नहीं खाऊंगी, आपने दिया है मैं कल खाऊंगी। मैंने कहा प्रसाद शीघ्र खा लो माता, कल क्यों खाएगी, आज ही खा लो। मार रोती हुई बोली, गुरु जी आज मेरे व्रत है, आज मैं लड्डू नहीं खाऊंगी। मैंने कहा आज व्रत न एकादशी है ना पूर्णमासी है, कोई सोमवार, आज तो बुधवार है, बुधवार क्या करते हो। ना ना गुरुदेव, हाय हाय उस माँ ने क्या कह दिया मेरे को, गुरुदेव मैं एकादशी पूर्णमासी बारों का व्रत नहीं करती हूँ, मैं तो 31 तारीख का व्रत करती हूँ। मैंने कहा 31 तारीख का, गुरुदेव मेरे पतिदेव चले गए, वो मेरे बेटे डॉक्टर और वकील है, धन का बंटवारा कर दिया, मेरे लिए लिखा पट्टी कर दी, एक तारीख से तीस तारीख तक बड़े बेटे के यहाँ भोजन, एक तारीख से तीस तारीख तक छोटे बेटे के यहाँ भोजन। गुरुदेव बीच में 31 तारीख आ जाती है, न बड़ा बेटा रोटी दे रहा है न छोटा बेटा रोटी दे रहा है, बड़ी बहू चली जाती है धक्का देती है, छोटी बहू चली जाती है तो कहती है आज
हमारे यहाँ नहीं। गुरुदेव मैं 31 तारीख का वक्त कर दू, ये बड़े बड़े घरों की कहानियां मेरे पास। माँ के बात्सल्य का वर्णन नहीं होगा, केवल यशोदा माँ माखन नहीं भेज रही है भगवान कृष्ण के लिए, हमारी माँ की यही दशा है। माँ के बात्सल्य को एक तराजू ले लो और उसको तोलो, एक तराजू के अंदर सारी पृथ्वी को रख लो और दूसरे तराजू में माँ के बात्सल्य को रख के तोलोगे तो माँ के बात्सल्य वाला पल्ला भारी हो जाएगा। माँ का बात्सल्य ऐसा। आज हमारे घरों के अंदर माँ के पास बैठने की हमको हो सकते हैं, माँ से थोड़ा पूछा करो, थोड़ा माँ के पास बैठा करो, थोड़ा सा पूछ लो, माँ तेरे दांत नहीं है गरम रोटी बनाओ या गरम खिचड़ी बनाओ, माँ कोई तुमसे हलवा नहीं मांगेगी, माँ कोई पकौड़ी बोलो ना कचौड़ी लड्डू नहीं मांगेगी। या तो कहते कि भाई रे मन आज नहीं राबड़ी बना दे, इतना ही थोड़ा पत्नी से कहा करो, देख मेरा ध्यान रखना या मत रखना मेरी माँ का ध्यान रखना। माँ को पूछा, माँ को पत्र दिया, माँ को धन की जरूरत नहीं है, खाने की जरूरत नहीं है, पहनने की जरूरत नहीं है, बुढ़ापे के अंदर तेरे को पास में बैठने की जरूरत है, थोड़ा पास में जो माँ हमारे लिए कितना कितना कष्ट पाती थी, बीमार के सिराने बैठती थी, माथा दबाती थी, नींद नहीं लेती थी, कितनी रातें नहीं लेती, कैसे कैसे उसने तकलीफ उठाई। माँ के ऋण से हम मुक्त नहीं हो सके, कहां तक कहूं, पुत्र चक्कू लेके चमड़ी उतार के माँ को जूती बना के दे देता है, फिर भी माँ के ऋण से मुक्त। हाँ यशोदा माँ भी बोलो बात संगे चलते आप उधर तो मथुरा जा रहा है, मेरे कान लगे थोड़ा माखन दे। हाँ यशोदा ने आखिर में जाके दिया, उधर तो जाते समय उधर मथुरा में जाके राजा बन गया, एक बात उसको कह देना कोई दासी की जरूरत हो तो पहले माँ यशोदा को मथुरा बना, प्रभु जी माने दासी आपको दी, दासी वेश्यू बाग लगाश्यू नेटोट दर्शन पास्यू, सावरिया माने दासी। ओ उधर रवाना हो गया, माँ कहने भी श्री लेकर माए यशोदा का दिया हुआ भगवान को माखन दिया, भगवान ने माखन देखा, यशोदा माँ की इतनी याद आई, भगवान मेरे में रो रहे हैं, माँ माँ तेरी भक्ति में लक्षण है, माँ मैंने तेरा बिलौना बांधा घोड़ा था, तुमने मेरे को एक दिन बांधा था, माँ तुमने इतनी भक्ति की रस्सी से बांध दिया है, मैं अभी भी भूला नहीं। जरा संत ने 17 बार मथुरा में आक्रमण किया, मथुरा की कथा सुनाना, भगवान वृंदावन में 11 वर्ष 47 दिन रहे हैं, वृंदावन भगवान का स्थूल शरीर है, मथुरा भगवान का सूक्ष्म शरीर है और द्वारका भगवान का कारण शरीर है, ये तीनों शरीरों की कथा आ रही है। हमारे तुम्हारे शरीर में भी तीन शरीर है,
जो चमड़ी से फटा हुआ है वो स्थूल शरीर है, इसके अंदर अंगूठे जितना सत्र तत्व का शरीर सूक्ष्म शरीर है। सुख दुख लाभ हानि आदि का सुख, हानि का दुख, स्वर्ग का सुख, नरक का सुख, पुत्र का सुख, पत्नी का सुख, सुखानुभूति दुखानुभूति जो होगी वो सूक्ष्म शरीर को होगी। नरक स्वर्ग का सुख दुख भी भोगना सूक्ष्म शरीर को। ये सूक्ष्म शरीर किसी को दिखता नहीं है, इसलिए भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। भगवान कृष्ण किसी को दिखे नहीं, सूक्ष्म शरीर दिखता नहीं, कारण शरीर कार्य का है। मथुरा के अंदर जरासंध ने आक्रमण किया, 17 बार भगवान कृष्ण पर, समझ रहे हो, मथुरा तुम्हारा शरीर है, जरासंध बुढ़ापा है। बोलो जरासंध किसको कहते हैं? बुढ़ापे को। जरा मन बुढ़ापा, संध मन संधि में आता है, 100 की संधि 50, ये 50 अध्याय की कथा है। ये सत्य कर रही है, अरे मनुष्य तो चेत था तो 50 वर्ष का होगा जरासंध तेरे को छोड़ेगा नहीं, बुढ़ापा छोड़ेगा, छोड़ने वाला नहीं, चेत। 17 बार आक्रमण, और जय हम कम 50 वर्ष के हो जाएंगे, जरासंध यानी बुढ़ापे का आक्रमण हमारे शरीर पर 17 रोग लगा देगा। ये 17 बार जरासंध का आक्रमण, जय बुढ़ापा आता है। बोलो आपको सिद्धि करना पानी, कानों से सुनना पानी, पैरों में घुटने में दर्द, ये ब्लेड पे सुराही, ये जरासंध का आक्रमण भाई। चेत आजकल बोलो ना काले धन पर, बोलो ना मोदी सरकार का बड़ा आक्रमण हो रहा है, क्या कह रहे हैं, धन को सफेद करो, धन को, जो सफेद धन होता है वो बड़ा शांति से रहता है, और 50 वर्ष आते ही भगवान उसको सफेद धन देते हैं, हम बाल सफेद नहीं देते हैं, अब तेरा धन सफेद है, धन पकड़ो, अब तो शांति से रहे। अरे सफेद धन वाला शांति से रहो, 50 वर्ष के हो जाओ उस समय हाय हाय मत करो, हरी हरी करो, बुढ़ापे का आक्रमण हो गया है, कोई भी नहीं है, गोटो घणो दुख है, कोई भी नहीं है, अरे गोटो को दुख है नहीं, जरा समय का आत्मा है। ऐसा व्रत अवस्था गात्रम संकुचिता सुदेश वर्णन कर रही है, गात्रम संकुचितम गतिर विगलिता भ्रष्टाचतंतावली दृष्टिर नश्यति वर्तते वदिगता भक्तं च लालायते वाक्यं नैव श्रणोति बान्धव जन पतनेन शुश्रूषते आकष्टं जरया विभूत पुरुषा पुत्रोऽप्यभिद्रायते। देखो कितना व्रत अवस्था कठिन है, गात्रं संकुचितं गाल सूख गए, कोई चाहता था मेरा गाल सूख गए, ये जरा सब छोड़ेगा नहीं, आएगा और 50वें वर्ष में आएगा, 50 के अध्याय की कथा है, 10वां स्कंद है। गतिर विगलिता चलना बंद हो गया, भ्रष्टाचदंतावली दांत गिर गए, कहा बूढ़े हो जाएंगे चलना बंद हो जाएगा, घर बैठे ही राम राम करेंगे, तो कहा भक्तम चला लाए थे, अरे मुझसे ना लाड़े पड़ेगी, लाड़े से लाड़ों का संभालेगा या राम राम करेगा, बोलो। दांत गए घर आपने रहा न काला बाल, मौत सिराने आ गई तुम अपने आप विचार, रे सफेद बाल आते ही भगवान ने कहा सफेदी में चला जा, अब काम है क्रो
प्रभु का चिंतन करने लगी जा। और तेरी दशा हो जाएगी यदि चिंतन नहीं करेगा ना। वाक्य नैव श्रुणोति बांधव जना, तेरी बात को ही नहीं सुनेगा यदि तू भगवान का नाम नहीं लेगा। नाम लेगा ना शांति से रहोगे ना, पोता भी कहेगा दादाजी माला फेर रहे हैं, देखो माला फेर रहे, समय पर रोटी। और शांति से रहोगे महाराज बुढ़ापे में बहुओं को डांटोगे, कहीं कहीं सासू बुए को डांटती है बुढ़ापे में, हो आज कटी तुमने ठीक नहीं बनाई गिंदड़ी, आज तुम्हें ये साग ठीक नहीं बनाया है, आज तुमने ये दाल ठीक नहीं बनाई, हाँ जरा दूसरे दिन साउ खाई और ही गड़बड़ हो जाएगी। हाँ बुढ़ापा आवे उस समय थोड़ी बुद्धि लगाओ, कोई आवे तुम्हारे घर उस समय आने वालों के सामने बहुओं की बड़ाई करो, यदि बड़ा खाना अच्छा खाना है तो बोलो नाम से अच्छा खाना है ना, बहुओं की बड़ाई करो। सासू को चाहिए अपने कोई पाड़ो सुनावे, मेरी बड़ी बहू है ना वो सब्जी बहुत बढ़िया बनाती है, और छोटी वाली है ना कटी बहुत अच्छी बनावे, मारी बीच नहीं बोलने तो क्या सियाड़े में शीरो बड़े सब बना पा रहे डाटोगे ना उस समय वाक्य में नहीं विश्रण होती बांधव वचन है, तेरा भाई बंधु बात नहीं सुनेगा। थोड़ी बुद्धि 17 बार जरा सन से भगवान से जरा सन हार गया मथुरा से, 18 बार नारद जी ने कहा जरा सन एक काम कर, तो अब के बार ब्राह्मणों को आगे कर दे और मथुरा पर आक्रमण कर। ब्राह्मण किसका नाम, जो ब्रह्म को जानता है। तो ब्राह्मण आगे का जरासंध को कह रहे हैं जाए तुम 50 वर्ष के हो जाओ, ब्रह्म को आगे रखना, प्रभु को आगे रखना, परमात्मा को आगे रखना, ममता परमात्मा से करना, ममता पोतों से नहीं पुत्रों से नहीं, और पुत्रों में पोतों में भी परमात्मा की दृष्टि देख लेना, पुत्रों पर विचार करो, ये लड्डू गोपाल ये हमारे बेटे नहीं है भगवान आए हैं, पोतों पर विचार करो ये हमारे घर में छोटे छोटे लड्डू गोपाल आए हैं, हाँ बहुओं पर विचार कर लो ये बहु नहीं है मेरे घर साक्षात लक्ष्मी आ गई है, ऐसी बुद्धि लगा लो, ब्रह्म को आगे कर लो, ब्रह्म को आगे कर लो, परिवार ही तुम्हारा ब्रह्म है, परिवार ही तुम्हारा परमेश्वर है, ऐसे 50वें वर्ष में चालू कर दोगे तो मामला ठीक है, नहीं तो महाराज बेटों को भी पराया समझोगे, बहुओं को पराया समझोगे और दिन रात झगड़ा करते रहोगे तो मामला बोलो ना। इसलिए नारद जी ने कह दिया अपनी बात मैं बताता हूं तेरे को, भगवान पीठ दिखा देंगे ब्राह्मणों को आगे का, और उसके पीछे काल योनि को कर दे, और काल योनि के पीछे बोलो ना तेरा रथ, हाँ भगवान कृष्ण ऐसे हैं ब्राह्मणों पर बाण नहीं चलाएंगे, तेरे रथ के आगे ब्राह्मण रहेंगे तो भगवान पीठ दिखा देंगे, और जो ही कृष्ण पीठ दिखा देंगे क्षत्रिय पीठ दिखा देता है संग्राम में तो वो हार जाता है। अब ब्राह्मण को आगे देखते ही भगवान ने विचार किया ब्राह्मण मेरे इष्ट देवता है, मैं इन पर बाण कैसे चला, पीठ दिखा दिए, उसी समय बोल दे रण छोड़ भगवान की, भगवान का नाम क्या पड़ा बोलो रण छोड़, मथुरा की कंदरा में चले गए, कालेवन था उसको जरासंध ने कहा तू जाए कृष्ण के पीछे, कालेवन पीछे पड़ गया, भगवान दौड़ के मथुरा में कंदरा में गए। एक बात बोलो शरीर मथुरा है, मथुरा को कोई छोड़ना नहीं चाहता है, बोलो ना मथुरा को कोई छोड़ना नहीं चाहता है, शरीर को इतने बेटे हैं ना कोई भी शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है,
इक्यानवे सितानवे वर्ष की दादी माँ होगी ना, वो भी शरीर छोड़ना नहीं चाहेगी। इतनी मथुरा प्यारी है, इतना तो शरीर प्यारा है हमको। हाँ वो कहने में तो कह देगी अब तो प्राण निकल जावे थे, अब तो मर जाऊ, ऐसा कह तो देगी। एक बुढ़िया ने कह दिया तकलीफ बहुत कम हो, अब तो मौत आ जावे थे। महाराज मौत आ गई, काला कपड़ा पहन के बुढ़िया ऐसे देख के पूछती है, भैया कौन है तू? अभी तो मैं याद किया ना, वो मौत नहीं हूं, तेरे को लेने आई हूं। जट बुढ़िया कहेगी भाई अरे एक पोते रुपया और देख लो, एक पड़पो तो देख लो, पूछा ही बोलो ना क्या तो देते हैं मौत आ जाने आने पर जाने के लिए, लेकिन हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। जरा सा आने बुढ़ापे का आक्रमण होगा, काल योनि यानी काल पीछे पड़ेगा तो शरीर को छोड़ना ही, भगवान को भी मथुरा छोड़नी पड़ेगी। मुचकुंद को दर्शन देके कंदरा से छलांग लगाई, रातों रात द्वारका में आ गए। अब बांसुरी की कथा पूरी हो गई, अब तो भगवान ने द्वारका में आके शंख बजाया, शंख शब्द सत्कार भगवान के सवा सौ वर्षों की कथा हो रही है। फिर मिला लो 11 वर्ष 48 दिन भगवान कृष्णा वृंदावन में रहे, स्थूल शरीर में 14 वर्ष तक भगवान मथुरा में रहे, 11-14 कितने हो गए 25 वर्ष, और 100 वर्ष तक द्वारिका में रह रहे। 25 वर्षों की कथा सुना दी है, 100 वर्ष द्वारका के लिए। द्वारका में भगवान ग्राम्य मूर्ति चौथा ये चिंता ये रघुनंदन, भगवान की द्वारका की दिनचर्या का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी। देखो भगवान की दिनचर्या क्या थी, सवेरे 4 बजे उठते थे, उठ के स्नान करके सूरज उगे उस समय तक मौन रहते थे। भगवान सवेरे सवेरे मौन रहा करो, थोड़ा नैम रखो, सवेरे सवेरे झगड़ा मत किया करो, मौन रह के भगवान का चिंतन करो। हाँ बूढ़ी सासु है, 4 बजे उठ तो जाती है, न माला पहनती है, न मिनिया पहनती है, न स्नान करती है, और गो पर गुस्सा करती है, आलूठी कोनी आलूठी कोनी तो भाई उठ रहा नहीं गिरे हाई आई कर चुप था, वो सुखी है सुखी रहने की सवेरे हाय हाय भगवान का स्मरण करो। प्रतिदिन भगवान गौदान करते थे, बोलो हमेशा गाय का दान कन्या का दान, तुम्हारे पर संपन्नता आवे, भगवान की कृपा आवे, तुम गौदान जरूर करो वेतन निपार के लिए, भगवान को भी करना। कन्या का दान करो, कोई ब्राह्मण की कन्या, कोई गरीब की कन्या। अभी आप 7 दिन पहले सूरत में कथा कर रहे थे पितृपक्ष में, कोई पहले संकल्प नहीं था, ऐसे 5वें दिन संकल्प आया, वे 6वें दिन विवाह है। मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि 2 गरीब कन्याएं हैं जाति की ब्राह्मण, अरे ब्राह्मण मत हो, कन्या तो कन्या ही है, हम विवाह करना। मैंने कहा हमारा कन्हैया कंजूस नहीं, कल रुक्मणी का विवाह होगा, दहेज हम मंगा लेंगे, मेरे पास कन्हैया पर बड़ा विश्वास है। मैंने 5वें दिन का कल यहाँ पर मेला मंडल समिति कन्या दान करेगी, कन्या दान में आपको भी कहा था जो चीज लाना है ले आ। मैंने कहा और सगाई दोनों की हुई हुई, 2 कन्या गर्भों की भी सगाई हो चुकी थी। मैंने कहा उनको ही कृष्ण बनाएंगे दोनों को, एक को बोलो ना बलराम और रेवती बना देंगे, एक को कृष्ण और रुक्मणी बना देंगे। देखो सगाई
मैंने कहा दहेज जानो महाराज, कन्हैया कंजूस नहीं। दो अलमारी आ गई, दो फ्रिज भी आ गए, पंखे भी आ गई, और महाराज कोई सो श्वास साड़ियां भी आ गई और बर्तन भी आ गए। मेरा कन्हैया कंजूस नहीं। तो हम भी ऐसा संकल्प करो, भगवान भी ऐसा कर दो। भगवान ने भी बहुत कन्याओं का दान किया है, भगवान ने बहुत सत्संग भी किया है, और भगवान ने बोलो ना पितरों का तर्पण भी किया है। भागवत का दसवां स्कंध 69 के अध्याय को देख रहे गौदान कन्यादान सत्संग। अब कन्यादान किया है भगवान ने, और आज क्या हो रहा है कन्यादान। आज तो गोरूपा कन्या का वृषभ रूपी धर्म के साथ विवाह हो रहा है। नेम ले हो, आप नेम ले हो तो आज एक नेम बताओ। अब दहेज लाए हो नहीं लाए हो आपकी मर्जी, हमने कल बता दिया, जो कल बता दिया वो आज क्या होता। लाए हो तो जरूर करना, और आप तो लिफाफे सही मिल गए होंगे, उसमें कन्यादान के लिए कुछ ना कुछ डाल देना। अरे एक नेम ले दो आज, पितृपक्ष चल रहा है, कल क्या है बोलो अमावस्या। सारे पितरेश्वरों की तिथि अमावस्या, एक बात भी ध्यान दे लेना, आपने 7 दिन कथा नहीं सुनी है पितरों के निमित्त। कल कथा 9 बजे से 12 बजे तक होगी। सवेरे कितने बजे बोलो 9 बजे से, वो 3 घंटे की कथा सुन लो, पूरी भागवत का फल तुम्हारे पितरों को मिलेगा, पूरा मिलेगा, समय निकालोगे। और यदि तुमने श्राद्ध करना भी भूल गए कोई तिथि में, अमावस्या के दिन उस पितरों का श्राद्ध कर, पूरे श्राद्ध कोई भुला चुका पित्र है ना वो भी तृप्त। और एक नियम और ले लो, पितृपक्ष में भागवत हो गई ना, सारे पितृश्वर चंद्रलोक से आते हैं। कहां से? चंद्रलोक से तो सारे पितृश्वर आते हैं, और स्वर्ग से 33 करोड़ देवता आते हैं ब्राह्मी मुहूर्त में भागवत के बाहर परिक्रमा करने के लिए। मैं नहीं कह रहा हूं, तुम्हारी व्यास गति कह रही है, पितृपक्ष में तुम्हारे पितृश्वर आएंगे परिक्रमा करने, आएंगे उन्हीं के पितरेश्वर जो इनका बेटा पोता पड़पोता सड़पोता लकड़पोता भाऊ कोई आएगी तो उनके पितरेश्वर परिक्रमा करने आएंगे, और बेटे पोते पड़पोते भी नहीं आएंगे तो उनके पितरेश्वर भी नहीं आएंगे। कल हम भागवत को यहां आज रात्रि में रख देंगे बीच में, माताओं बहनों बेटियों भाइयों बहुओं, तुम कल सवेरे 4:30 बजे उठ जाओ, स्नान कर लेना। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन जो सवेरे 4 बजे उठ के स्नान करता है उसको फल बताया हमारे शास्त्रों में, सोने की परात हीरे पन्ने माणक मोती भर के किसी ब्राह्मण को दान देने से जितना फल मिलता है वो तो पितृपक्ष की अमावस्या के दिन स्नान करने से मिलता है। बच्चों को भी उपाय देना, बच्चों को भी संस्कार दे देना, लोगों को भी संस्कार दे देना। यदि कल तुम्हारा बच्चा उठ जाएगा और पितरों के निमित्त उसको कहते हैं पितृ स्नान, पितरों के निमित्त स्नान कर देगा, और पितरों के निमित्त स्नान कर देगा तो उठ जाएगा तो वो कभी भी अविद्या की नींद में कभी सो नहीं पाएगा। उसको सवेरे भगवान सूर्य उदय से पहले उठाने का अभ्यास करा देंगे, पितृश्वर की कृपा से वो सुता नहीं रहेगा, अज्ञानता में देंगे उठा। 4 बजे नहीं उठा सको, 4 बजे स्नान नहीं कर सको तो सूरज उगने से पहले स्नान कर देना। उसको क्या फल बताया है पितृ अमावस्या के दिन,
जो सूरज उगने से पहले पहले स्नान कर लेता है, चांदी की परात चावल भर के कोई ब्राह्मण को दान दे हो, और जितने चावल होते हैं उतने वर्षों तक उनके पितरे स्वर्ग, एक परात में कितने चावल उतने वर्षों तक वो स्वर्ग का आनंद लेते हैं। व्यास गद्दी पर बैठ के गप नहीं लगाता हूं, शास्त्र की बात सुना तुम तो उठो बच्चों को, इतना महत्व है, हींग लगे ना फिटकड़ी लगे रंग बहुत बढ़िया आ जाए, थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास हो भजन के अंदर पुरुषार्थ करना पड़ता है, धन के अंदर प्रारब्ध को आगे रखना पड़ता है, धन तो तुम्हारे प्रारब्ध में हो आ ही जाएगा, लेकिन इस भजन का थोड़ा पुरुषार्थ उठने का प्रयत्न, और अमावस्या है और पितरी आने के लिए तैयार है, वो सोचते हैं कल मेरा कोई परिवार का परिक्रमा करने जाएगा तो मैं भी जाऊंगा, और फिर भी कोई परिवार वाला आता नहीं है, सूर्य उदय के बाद स्नान करता है, उसको कितना पड़ा है बोलो बताओ, कोई करोगे तो नहीं पहले पहले कर देगा, सूरज उगने के बाद स्नान कोई पितरी अमावस्या का करता है, शास्त्र कहता लोहे की फूटी फूटी परा कोयला भर के किसी को दो कोई नहीं लेगा। माताओं बहनों शास्त्र की बात मानो, ये शास्त्र विधि मुझसे वर्तते काम कारता है, न सुधि मापनोती न सुखम न परामति, तो शास्त्र की बात नहीं मानता है और पितरों के निमित्त बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं करता है, उसको न सिद्धि मिल सकती न प्रलोक में उनके पितरों से होकर गति हो सकती न शरीर की गति हो सकती, तो कल जल्दी स्नान करना, बच्चों को लाना परिक्रमा के लिए, परिक्रमा का समय रखा है 5 बजे से 8 बजे तक, सवेरे बोलो ना 5 बजे आ जाना 8 बजे, और अंधेरे अंधेरे में जो जितने अंधेरे में परिक्रमा करोगे उतना ही फल ज्यादा है, हो सके अंधेरे अंधेरे बाबू, नहीं तो 8 बजे तक बच्चों को उठा के ले आओ स्नान करा के। मैं गांव में जब ये कथा झाखेड़े में की थी एक बार अपने मालू परिवार की, हम दो कर चुका हूं मैं पिछले साल पितृपक्ष में, बोलो ना गंगा किनारे ऋषिकेश झाखेड़े में महाराज, मैंने कह तो दिया गांव में भाव तकड़ा होता है, तो 4 बजे 3 बजे वर्षा आ रही है, और गांव में मैंने कह दिया बच्चों को नजर नहीं लगेगी, टपकार नहीं लगेगी, बच्चों का भविष्य देखना है तुमको, तो बच्चों को लाओ छोटे 6-6 महीने के वाले की 1.25 महीने के लिए, महाराज औरतें 1.25 महीने के बालकों को ले लेकर वो तो परिक्रमा करने आ गए, और वर्षा पड़ रही थी और छते नहीं थे तो महाराज वहां कुर्सियां रखी हुई थी बैठने के लिए, हाँ दामोदर जी वो कुर्सियां ऊंच ऊंच के बोलो पानी ऊपर नहीं पड़े, ऐसी परिक्रमा हुई, और महाराज इतना गांव में भाव, हम भी गए उस वर्षा में, हमने प्रत्यक्ष देखा महाराज, एक माई ऐसी थी उसके ऐसा रंग चढ़ा कि परिक्रमा करने के लिए उसके 3 बेटे थे, वो तीनों को ले गए छोटे छोटे, हाँ एक को कंधे पर चढ़ा रखा था, एक को गोद में रख सकता था, एक को अंगली पकड़ाए हुआ रखा था, शायद मारा छोटा उसके पेट में बिठा हो परिक्रमा कर रही थी, देखा हमने गांव का भाव, देखो सवेरे जल्दी कर, और जो बच्चा हमारे परिक्रमा का विधान है अलग अलग रूप से मैं बता देता हूं, जो तुम्हारा बेटा पढ़ाई में कमजोर है, जो विषय में कमजोर हो ना पोथी दे दो, अंग्रेजी में कमजोर अंग्रेजी की पोथी दे दो, गणित में कमजोर है गणित की पोथी दे दो, और सारे विषय में कमजोर है ना तो विश्वास करना पितरों का आशीर्वाद ले लेना, बच्चों को पूरा बस्ता ही दे देना, जहां बस्ता लेके 108 परिक्रमा करा, तुम्हारा बच्चा फेल हो जावे व्यास गति पर कह रहा हूं मैं, गारंटी दे रहा हूं हो ही नहीं सकता, मेरे को भागवत पर बड़ा विश्वास है, मेरे पास बहुत बच्चों के पत्र आए हुए हैं, गुरु जी हमने परिक्रमा दी है, हम इतने प्रतिशत नंबर लेके आ गए परिक्रमा, और जिनके आंख में की बीमारी है ना
सुन लेना, बादाम ले आना, बादाम काल अमावस्या है, गौ माताओं को लापसी देनी है, बादाम ले आना, थोड़ी ज्यादा लाना, दो बादाम तो आंख का आकार बादाम जैसा होता है, दो तो तुम खा लेना, बाकी गौ माता के लिए तुम लापसी के लिए छोड़ दोगे ना महाराज, लापसी में बादाम गौ माता खाएगी ना तो हमारी पितृ से और मित्रता तुम्हारी आंख की बीमारी मिटी। बोलो, यदि तुम्हारा कान गड़बड़ है दो काजू ले आना, और जहां तक हो ज्यादा ही ले आना आधा पाव, बोलो ना किलो दो किलो तुमको यदि पितृ से रोको वो सारा दूसरा में भेजेंगे, कान की बीमारी भी तुम्हारी ठीक हो जाएगी। यदि तुम्हारे माथे की बीमारी है बोलो अखरोट ले आना, एक अखरोट तो खा लेना और बाकी गौशाला में बोलो यहां चढ़ा देना, सारा चढ़ावा भागवत का कल वही जाएगा। और तुम्हारे पेट की बीमारी है अंजीर ले आना, एक खा लेना और बाकी गौ माता को देते रहना। मैंने एक बार मालेगांव में कथा की पितृपक्ष में महाराज, मालेगांव में यहां कोई पूछ लेना, मैंने ऐसा महत्व बताया वहां पर बहुत मराठी महाराष्ट्री सुन रहे थे, और बादाम काजू आगे तीन क्विंटल बोलो महाराज, वहां पर कई महीनों तक गायों ने खाया महाराज, और पितृ से हो गया, फिर उन्होंने कई भागवते करवा ली मेरे से मालेगांव में, पितृपक्ष में जो भी किराए मैंने पितृपक्ष में की लिया। यदि रुपया पैसा तुमको चाहिए गौ माता के लिए बोलो ना, 12 महीनों में हिंदी महीनों से 360 दिन होते हैं, प्रतिदिन का एक रुपए के हिसाब से 360 रुपए है गौ माता के लिए दे देना, वो सारा गौशा गौ माता के लिए करो परिक्रमा। यानी चिंतयते कामान तान तन प्राप्त निश्चिता, जो तुम कामना करोगे कामना तुम्हारी गौ माता, व्यापार में तुम्हारा कोई घाटा लगा हुआ है, ऋण माथे पर पड़ा हुआ है, कोई डिप्रेशन का हो, कोई असाध्य रोग लगा ले आ, और यदि तुम्हारे पितरों के निमित्त परिक्रमा लगानी है एक एक नारियल ले आना, बोलो पितरों का आह्वान करके सवेरे लाओ तो बढ़िया, सवेरे नहीं मिले तो दिन में 9 बजे कथा हो या चढ़ा देना पितरों का नारियल, नारियल में सारे पितर सर तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। यही यही के बाद मैंने पितृपक्ष में 26 वर्ष पहले भागवत की थी महाराज, वहां नारियल लेके लोग आए, हमको बताया किसी का नारियल भारी भी हो गया था, किसी का नारियल फूट भी जाता है, तो भी घबराना मत, पहले बता देता पितरों का आह्वान से नारियल फूट जावे तो समझो पितरों की गति हो गई, भारी भी लगेगा नारियल ना, वो भी शुगर की बीमारी है मिश्री लाके चीनी लाके परिक्रमा कर देना, गुड़ एक कट्टा दे देना गौशाला में दे देना, असाध्य रोग दूर हो गया, काम ना करो परिक्रमा, फिर 9 बजे कथा में आ जाऊंगा। काल हम पूरी जो कथा 7 दिनों में 6 दिनों में सुनाई है वो 21 मिनट में और पूरी सुनाएंगे, कितने मिनट में 21 मिनट में पूरी सुनाएंगे वो कथा सुनूंगा, और यहां से शोभा यात्रा में सम्मिलित हो तो मौज है चलना, शोभा यात्रा में भी चलना, गोविंद बोलो गोपाल करो, 12 बजे कथा विराम लेते, तो भगवान का भी नयन था, और उसी द्वारका में सवेरे उठते तो साक्षात लक्ष्मी के साथ उनका विवाह हुआ, भगवान का विवाह किसके साथ, ये रुक्मणी थी ना, ये लक्ष्मी की अवतार थी, हाँ, और उसकी सगाई शिशुपाल ने किसके साथ की थी, ओ शिशुपाल के साथ की थी, उसके 5 भाइयों ने, लेकिन रुक्मणी ने पत्र लिख दिया, पता चला मेरे 5 भाई विदर्भ देश की थी या नागपुर की, ये विदर्भ देश ही है वो, विष्णु राजा की बेटी थी, पत्र लिख दिया भगवान मैं शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी, मैं आपके साथ
अब पत्र तो लिख दिया, भेजो किसके साथ? द्वारिका कोई जाने वाला नहीं, कैसे भेजो? ठिकाना क्या करूं? ये समस्या। अनेक रूप रूपा है विष्णुवे परमेश्वरे, भगवान के 1000 नाम है, क्या नाम? ठिकाना कौन से नाम से है? सांवरिया धारा, मेरे कुल में एक प्रथा है,
विवाह से पहले कन्या गिरजा देवी के मंदिर में जाती है, मैं गिरजा देवी के मंदिर में जाऊंगा, बाहर निकलते मेरा हरण कर देना, रथ पर चढ़ा के द्वारका में लाके विवाह कर देना, ये गुप्त समाचार किसी को मत बताना, आपके आने के इंतजार में आपकी जन्म जन्म की दासी रुक्मिणी। ये निर्णय किसने लिया बोले? भगवान ने लिया, रुक्मिणी ने लिया। कहाँ हरण करना है, कैसे करना है, सारा निर्णय रुक्मिणी का था। बुद्धि में रुक्मिणी बिठा दो, शिशुपाल संसार के साथ संबंध नहीं करना है, संबंध परमात्मा के साथ करना है। भगवान बैठ गए महाराज, शिशुपाल दुल्हा बन के आ गया, अभी तक भगवान नहीं आए। रुक्मिणी विचार करती है, देखो भगवान भी नहीं आए, ब्राह्मण भी नहीं आया, एक बार बाहर निकल रही है, एक बार अंदर आ रही। भगवान पहुंच गए मंदिर में, आरत खड़ा कर दिया बाहर और कह दिया सुदेव ब्राह्मण से जा, तो रुक्मिणी को कह देना पत्र में लिखा है वो सारा काम हो जाएगा, बस इतना ही कहना। ब्राह्मण आया, रुक्मिणी कह दिया अरे सुदेव भैया जल्दी बता, शेर का होके आया छटांग का होके आया? ब्राह्मण कहता मैं न शेर का न छटांग का, मैं तो पूरा सवा शेर का होके आया। भगवान आ गए, कहा है रुक्मिणी ने जो पत्र में लिखा है सारा काम हो जाएगा। रुक्मिणी को इतनी प्रसन्नता हुई मानो मरती हुई मछली को जल मिल गया। ब्राह्मण को धन दिया। इतने के अंदर रुक्मिणी मंदिर में आई, आगे देखा भगवान नहीं है, शिशुपाल के प्राती बहुत खड़े है। रुक्मिणी विचार करती है मैंने इतना पत्र में लिखा कि छुपे हुए रहना, इतने में रुक्मिणी देखती है एक कोने में भगवान ऐसे बैठे हुए छुपे हुए। कोने में बैठे हुए हैं, रुक्मिणी देख के विचार करती है ओहो देखो देखो मार कतो कहना माने मैं लिखो जी करियो आज छुपे हुए बैठे मंदिर में जाके कात्यायनी की पूजा कर रही है, कात्यायनी का मंत्र बोल करके बाहर निकली, हजारों राजा महाराजा
राजाओं के धीराजों के बीचों बीच भगवान ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ लिया, हरण कर लिया। बलराम जी आगे शिशुपाल के बरातियों को हरा दिया। शिशुपाल बेचारा ऐसे ही रह गया। भगवान कृष्ण ने द्वारका में जाके रुक्मिणी के साथ विवाह कर दिया। दूसरा विवाह जामवंती के साथ कर लिया, जामान के साथ युद्ध करके उसको हरा करके। तीसरा विवाह सत्य बाबा के साथ कर लिया। चौथा विवाह काली जी के साथ कर दिया। पांचवा विवाह भगवान ने मित्र वृंदा के साथ कर दिया। छठा विवाह भद्रा के साथ किया। सातवां विवाह नगनी चीति के साथ किया। आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ किया। ये आठ भगवान की पटरानियां थी। कितनी थी? आठ। 16,108 रानियां थी। भौमासुर को मारा, उसने 16,000 कन्याओं को बंद कर रखा था। भगवान ने भौमासुर को मार के 16,108 रानियों के साथ विवाह हुआ। ऐसे भगवान की प्रत्येक रानी से 10-10 बेटे उत्पन्न हुए। बोलो, प्रत्येक रानी से 10-10 बेटे। पूनम चंद जी बाणियों हिसाब करो, 16,108 रानियां, प्रत्येक रानी से 10-10 बेटे हुए तो कितने भगवान के बेटे? बोलो, 1,61,080। 1,61,080। कोई पूछ लेगा भगवान के बेटे कितने? कह देना भागवत का 10वां स्कंद 61 का अध्याय देख ले, भगवान के 1,61,080। बलराम का चरित्र बताया। जरासंध को मार करके भगवान ने युधिष्ठिर का राष्ट्रीय यज्ञ कराया और महाराज राष्ट्रीय यज्ञ में सब प्रसन्न हुए। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया। तो दुर्योधन अप्रसन्न क्यों हुआ? महाराज दुर्योधन को भगवान ने क्या किया? खजाने का मालिक बनाया। कहा तू है ना इस राष्ट्रीय यज्ञ के अंदर जो मांगे ना उनको दक्षिणा देना। और दुर्योधन विचार करता है पांडवों का खजाना मैं खाली करूंगा। भगवान को ही पता था, दुर्योधन को नहीं था। महाराज दुर्योधन के हाथ में एक ऐसी रेखा थी कि वो खजाने से निकालेगा ना दूना हो जाता था। ऐसी रेखा थी। ये किसी किसी के हाथ में होती है। जो खर्च करे दम दूना बटे ना समझो दुर्योधन वाली रेखा। ये रेखा होती है किसी किसी के हाथ में। ये दाहिना हाथ होता नहीं, ये दा ये होता है शुक्र पर्वत। देखो ये शुक्र पर्वत ये और ये होता है बृहस्पति का पर्वत। ये से ऐसे लीक करके बृहस्पति के यहाँ स्पर्श करे समझो तुम्हारे दुर्योधन वाले। अरे अबार बंदे को ये सही हाथ देख लिया। ये दुर्योधन की थी। महाराज देश भाव से सुना तो अप्रसन्न क्यों हुआ? यज्ञ के बाद यज्ञांत स्नान होता है। मेरे नाम के दानव ने जा जलता वहाँ जमीन दिखा दी और जा जमीन थे वहाँ जल दिखा दिया। दुर्योधन को पता नहीं था जल में तो धोती ऊंची की वहाँ तो थी जमीन और महाराज जहाँ जमीन थी वहाँ धोती नीचे की। धड़ाम से नीचे गिरा और द्रौपदी को हंसी आ गई। अंधे के अंधा ही जन्मे बस यही महाभारत के बीच का रोपण हुआ और यहीं से दुर्योधन प्रसन्न हुआ। बलराम जी बलराम जी इसका प्रायश्चित करो। बलराम जी ने रोम आश्रम वाला सूत वाला ज्ञान उग्र शर्मा बेटे को दिया और महाराज कन्याकुमारी रामेश्वर में जाके गौदान की। गौदान देखो गौदान ऐसी हैरान है माताओं बहनों।
जान में अनजान में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे कोई पाप नहीं हुआ, कोई माई का लाल नहीं है, चाहे साधु हो चाहे महात्मा हो, किसी से बचपन में पाप हुआ है, किसी से जवानी से पाप हुआ है, किसी से ये गौतान ऐसा दान है। ब्रह्मा प्यारा, गोह प्यारा, आचार्य प्यारा, माता पिता को मारने वाला, बोलो ब्राह्मण का वध किया बलराम जी ने, श्रीरंगम में जाके गौ दान दी, परिक्रमा की, महाराज तब वो ब्रह्मत्या से मुक्त हुए। माताओं बहनों भाइयों, मौका है और कन्यादान का समय है, गौ दान का समय है, जिन्हें दिया है तो ठीक ही है, जिन्होंने नहीं दिया है आज सुख बचाना, दे देना, कोई नहीं तो स्वामणी देना, कन्यादान में जरूर देना। और परिक्रमा के कारण उनका महाराज ब्रह्मत्या का पाप दूर हो गया। तो कल है ना, बोलो परिक्रमा करनी या नहीं, पक्के हो जाना। धनुंधरा कोटि विद्याया कहते हैं, परिक्रमा करते समय 1 करोड़ पाप आगे फिर जाएंगे, तुमको आने नहीं देंगे, या तो नींद जोर की आएगी, कोई पाप है, उठ जाना, जल्दी उठ गए। माता बेना थे, कोई 2 बजे मोदी आ जाए ना भैया, थारो कोई भरोसा हो नहीं, 4 बजे परिक्रमा करना। और कल कथा पूरी हम भागवत की सुनाएंगे, पूरी सुनाएंगे, ठीक है ना। हमारे सब श्रोता लोग आना, हमारे घासीराम जी ना, घासीराम जी ये कथा में कार्य करता रहते, हमने हमारे ऋषिकेश में सुनाई, तो इनको फुर्सत नहीं थी, क्योंकि काम बहुत संभालना था, 2-2 ढाई आदमियों का भोजन बनाना। इन्होंने कहा गुरुजी मैं तो वो 21 मिनट वाली, बोलो ना, नहीं सुनी है तो 21 मिनट वाली तो जरूर सुन लेना, आपके लिए विशेष जो कार्य करता है, काम कर रहे हैं उनके लिए रख रहा हूँ, पूरी भागवत में 21 मिनट में सुनाऊंगा। 9 बजे की जगह 9:45 आने की चेष्टा करना, और नारियल जरूर परिक्रमा में आते समय गौदान के लिए जाना। अब तो बरात आ रही है भाई, ठीक है ना, कन्यादान देने वालों को साफा धापा पिटा रहे हैं, थोड़ा सुंदर वचन सुनाओ, हाँ पहना दो पहना आगे। हेलो जय श्री कृष्ण। देखो बारात आ रही है, सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, अपना चेन पॉकेट और मोबाइल का खुद ध्यान रखेंगे, बीच में उठेंगे नहीं। जो महिलाएं डांस करती हुई आएगी, नृत्य करती हुई आएगी, वो उनको आने का रास्ता दे। थोड़ी देर के लिए प्रोग्राम को आप देखेंगे तो आपको भी बहुत आनंद आएगा। आप कृपया उठेंगे नहीं, बारात आने की सामने तैयारी है। भजन आपका भजन कर किशोर